हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपको योग से उस शक्ति मिलेगी जिससे आपकी और पूरी दुनिया की जिंदगी आबाद होगी। देखो क्या करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। आप जरा देखना, जरा सांस को भीतर गहरा भरते हैं, ये पूरी सकारात्मक सोच आएगी, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, आप सकारात्मक बनेंगे, फिर आपके जीवन में क्रिएटिविटी आएगी, आपके जीवन की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, फिर प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, क्रिएटिविटी एंड आओ अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, ये सब इसी से होगा। भाई से रहता है इसी बार हृदय से लिया, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, आंखों से अच्छा दोखे भद्रम कृणे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्चिमाक्षभिरत्रा सिरैरंग स्तुष्टवान स्वस्तनोभिर विषेमहि देवहितम यदायु। यही तो होता है प्राणायाम से, अनुलोम विलोम प्राणायाम सहज करते रहो, श्वासों को पूरा भीतर गहरा भर, पूरा बाहर छोड़ना, करो सब, रुकना नहीं है किसी को, जितना जिसमें सामर्थ्य हो भीतर गहरा भरो, गहरा भरो और विचारों की अंतर की भावनाओं की गहराई में उतर जाओ। एक एक अंग मन मिल करके प्रकृति का अलग अलग उसको एक पूर्ण सुंदरता देता है। स्थान कैसा है, वहां का जल कैसा है, वहां की हवा कैसी है, वहां का पानी कैसा है, वहां के वृक्ष कैसे हैं और वहां पर रहने वाले इंसान कैसे हैं, सब मिलकर के एक स्थान को सुंदरता प्रदान करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके जीवन को भी सर्वांगीण सुंदर बना देता है। अनुलोम विलोम करने से बीमारियां मिटती हैं आपकी, हार्ट की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, माइग्रेन पेन, पार्किंसन, ये तमाम समस्याएं मिटती हैं, लेकिन आपकी आंखों में नूर आ जाता है, प्रेम आ जाता है, वात्सल्य आपके दिलों में, श्रद्धा, समर्पण, मैत्री, करुणा का भाव आ जाता है। जो दिल में होता है वही आंखों से और चेहरे से झलकता है, छलकता है। तो आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी आंखें, आपकी वाणी, आपका व्यवहार, आपकी सोच, सब कुछ सुंदर हो जाती है। तो आप अच्छा ही करते हैं, अच्छा ही देखते हैं, अच्छा ही बोलते हैं। मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूया सम्मत संदृशा। जब आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे तो धरती खूबसूरत हो जाएगी, यही जन्नत आ जाएगी, यही स्वर्ग आ जाएगा, भगवान उतर आएंगे इंसान के रूप में, तुम्हारे भीतर से नया जन्म मिल जाएगा। विश्राम, रुक जा। देखो प्राणायाम का एक पक्ष है फिजिकल, बॉडी को ट्रीट करना, उसके बाद में ये शरीर किससे चल रहा है, प्राण से, वायु से। वायु को कौन चला रहा है, शरीर तो चल रहा है प्राण से, ऑक्सीजन से, आदमी जिंदा इसका क्या प्रूफ है, बोले सांस चल रहे, आंखें से देख रहा है, आंखें तब तक देखती हैं, दिमाग तब तक चलता है, हार्ट तक तब वर्क करता है, आदमी तब तक बोलता है जब तक श्वास चल रहे हैं, जब श्वास चलना बंद हो गया तो बोलती बंद हो जाती है आदमी की, श्वासों पर टिकी है जिंदगी, ये सबको पता है। इन श्वासों को कौन देता है, अपने आप तो नहीं चलते, एक बार जरा बटरफ्लाई कर लो बैठे बैठे, अपने आप तो श्वास नहीं चल रहे, एक क्षण आता है
वो समय आता है जब आदमी जीना चाहता है लेकिन कोई ताकत उसको खींच लेती, बुला लेती, बुला दे बेटा बहुत दिन हो गए, बहुत खा पी लिया, अब आ जा, अब तेरा हिसाब किताब मैं करता हूं। तब आदमी कहता है, अरे कितना ही बलवान हो, कितना ही धनवान हो, कितनी ही बड़ी सत्ता हो, कितनी ही बड़ी शक्ति और संपत्ति हो, मौत के सामने सब कांपने लगते। श्वासों को जो दे रहा है उसी को कहते हैं भगवान। कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा, कोई वाहेगुरु कहता है। ओम के द्वारा हम उसका आह्वान करते हैं। ओम माने कोई मूर्ति प्रतिमा नहीं, एक डिवाइन वॉइस है जिससे हम ईश्वर को, ईश्वरी शक्ति को, जो हम वैश्विक एनर्जी है, वैश्विक ऊर्जा, यूनिवर्सल पावर, उसको हम भीतर धारण करते हैं। देखो मेरे भाई, ये जो प्राणायाम है ये क्या करता है, शरीर, प्राण, फिर आत्मा, परमात्मा, वहां तक ले जाता है सूक्ष्मता में। मैंने कहा ना, ये श्वास कोई और दे रहा है उसे भी जोड़ देता है, और भगवान श्वास बन के तुम्हारे भीतर जाता है, प्राण बनकर के तुम्हारे भीतर जाता है। आगे बैठ जाओ, एक बार सीधे आगे बढ़ाते हैं। देखो, प्राण में सारी औषधीय शक्ति, और हम यही कर रहे हैं अभी। हमारा जो अगला, अभी तक हमने रिसर्च किया प्राणायाम के ऊपर, क्या किया हमने प्राणायाम करने से पहले और बाद में लोगों का टेस्ट करवाया, मॉडर्न मेडिकल साइंस के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग उनकी सारी रिपोर्टिंग करवाई, और ये पता लगा प्राणायाम करने और करने के बाद आदमी के भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। क्या आता है, 5-7 वाक्यों में बता देता हूं जो अभी तक हमने किया। 7 दिन में आदमी का 3 से 10 किलो तक तो वेट कम हो जाता है, बस थोड़ा लो कैलोरी फूड खाना। देखो, आपको सुई भी चुभती है तो पीड़ा होती है ना, किसी को काट के खाया जाए तो उसको, उस पर भी तो दया करो। तो अभी और प्राणायाम करना ना, बाकी काम मैं अपने आप देख लूंगा। आप कपाल भाती अनुलोम विलोम करते जाना, करते जाना, करते करते आप कहोगे ये क्या हो गया, बीमारी तो ठीक होगी। 7 दिन के मैंने प्रयोग किए हैं पहले और बाद में, प्री एंड पॉस्ट टेस्ट किए, वो सब बता रहा हूं। 7 दिन में 7 से 10 किलो मैंने वेट कम किया, 650 तक ट्रिग्लिसराइड कम किया, 200 तक कोलेस्ट्रोल कम किया, 100 तक LDL कम किया, और 25-30 तक मैंने HDL बढ़ाया, हार्ट के, ये लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं इसको। HDL यदि किसी का 25-30 बढ़ जाए ये तो बहुत बड़ी बात है, कोई विश्वास ही नहीं करता। जब पहली बार जब हमारे SGPGI के डॉक्टर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पैथोलॉजी के, वो बोले स्वामी जी मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है मुझे, ये क्या हो रहा है, क्रिएटिनिन लेवल घट रहा है, आधा आधा एक एक पॉइंट HDL बढ़ रहा है, ये तो हमारे यहां होता ही नहीं है। 7 दिन के अंदर 25-30 पॉइंट तक बढ़ जाता है HDL। फिर क्या होता है, 25% लोगों का ECG नॉर्मल, 60% लोगों का PFT नॉर्मल, यहां भेज का वातावरण है, आप लोगों के लिए भी जरूरी है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट अच्छा हो जाता है। और क्या होता है, 7 ही दिन के अंदर मैक्सिमम लोगों का शुगर कंट्रोल हो जाता है, बहुतों का तो इंसुलिन भी कम हो जाता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी और तमाम बीमारियां ये तो कम होती है, और बहुत कुछ होता है, आपको कुछ थोड़ा और बताते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, किसी भी पशु पक्षी को बताओ ब्लड प्रेशर होता है, आपसे पूछ रहा हूं, बोले समझे हमने तो टेस्ट ही नहीं किया कभी, होता ही नहीं उनको। किसी भी पशु पक्षी को BP नहीं होता, किसी भी पशु पक्षी को शुगर नहीं होता, ये BP नहीं होता, शुगर नहीं होता। और कोई भी पशु पक्षी तुम घर में भी बांध लो तो अपवाद को छोड़ दो, बहुत ही गंदा खिलाओ तो अलग बात है, किसी कोई भी पशु पक्षी ओबेस्क नहीं होता। ये तो सारी प्रॉब्लम यही है, और ये किससे है, इसके ऊपर पूरी दुनिया में रिसर्च हुआ तो इससे है कि स्ट्रेस हार्मोन बन रहे हैं आदमी को, और ये स्ट्रेस हार्मोन कहां बनते हैं, यहां से, दिमाग, पिट्यूटरी ग्लैंड और सब उसमें सही हो गया मुख्य रूप से। तो मेरे भाई, दवाइयां कभी समाधान नहीं हो सकती, और दवाइयों से पिजन हॉल ट्रीटमेंट मिलेगा, होलिस्टिक ट्रीटमेंट प्राणायाम से मिलेगा।